हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए मैथ्स गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू तथा एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस यम का महत्तम से अपवर्तक एक्स प्लस के है तो के का मान होगा। ठीक है, देखिए ए ऑप्शन आपका दिया है क्यू प्लस एम अपान में पी प्लस एल, और बी ऑप्शन दिया है क्यू माइनस एम अपान में पी माइनस एल, और सी ऑप्शन दिया है पी प्लस क्यू अपान में एल प्लस एम, और डी ऑप्शन दिया है पी माइनस एल अपान में क्यू माइनस एम। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू तथा एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस यम का जो आपका महत्तम दे दिया फ्रेंड्स, एच सी एफ दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो आपका दे दिया फ्रेंड्स कितना दिया, एक्स प्लस के दिया है। कितना दिया फ्रेंड्स, एक्स प्लस के है। तो हमको के का मान बताना है कि क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका एच सी एफ दिया है एक्स प्लस के, कितना दिया फ्रेंड्स एक्स प्लस के, इसको क्या करेंगे जीरो के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से यदि हम एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका जो प्रश्न में दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, तो इसमें क्या करेंगे, जहाँ पे आपका एक्स दिया है वहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस के रखने पर। यहाँ पर देखिए, आपका दिया है कि एक्स स्क्वायर अब प्लस में कितना दिया है फ्रेंड्स, पी एक्स अब प्लस में क्यू। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक्स के जगह पर क्या करेंगे फ्रेंड्स कि माइनस के रखने पर जो इसका शेषफल आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कितना दिया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स अब प्लस में क्यू, तो एक्स के जगह कितना रखेंगे माइनस के, तो माइनस के का क्या हो जाएगा स्क्वायर अब प्लस में यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स पी, और एक्स के जगह क्या रखेंगे माइनस का के और प्लस का क्यू इक्वल टू में क्या हो जाएगा जीरो। अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस के का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा के स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए प्लस दिया है यहाँ पर माइनस दिया है, तो माइनस का हो जाएगा पी के और प्लस में क्यू बराबर क्या हो जाएगा जीरो। इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स कि हम इक्वेशन वन मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आपका एक प्रश्न में बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस यम, ठीक है, इसका भी महत्तम समापवर्तक एक्स प्लस के ही दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर और प्लस में एल एक्स प्लस एम बराबर जीरो कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, x के जवाब पर रखेंगे हम माइनस का k, तो यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड माइनस k का स्क्वायर और प्लस में यल इंटू में के, x के जवाब क्या रखेंगे माइनस का k और प्लस में यम इजल टू में क्या हो जाएगा जीरो। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से माइनस k का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस k स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से प्लस दिया है यहाँ पर माइनस दिया है, तो माइनस यल के और प्लस में यम इजल टू में क्या हो जाएगा जीरो। इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको इक्वेशन नंबर टू मान लेंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, समीकरण एक और दो को सॉल्व करने पे, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आपका आर एच एस दिया है राइट हैंड साइड और इसका भी आर एच एस, दोनों में क्या है जीरो दिया है। तो जब इसका समीकरण एक और दो की जब तुलना करेंगे तो जो आपका एल एच एस दिया है इसके एल एच एस क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आर एच एस के बराबर दिया है। तो यहाँ से फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, समीकरण एक व समीकरण दो से। देखिए फ्रेंड्स, समीकरण एक और दो से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का पी के और प्लस का क्यू इजक्वल टू में आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिए के स्क्वायर माइनस का यल के प्लस में यम। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ समझिए, ये आपका प्लस दिया है, ये भी आपका प्लस दिया है, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे कि के वाले को एक पास कर लेंगे, तो यहाँ देखिए क्या दिया, माइनस का एल के दिया, जब इसको पाचांतर करेंगे तो जब इधर लेकर आएंगे तो यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से हो जाएगा एल के और माइनस का पी के और इजक्वल टू में देखिए ये आपका दिया है प्लस में, तो यम हो जाएगा, और इस क्यू को पाचांतर करेंगे तो इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का क्यू, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यम, यहाँ से देखिए फ्रेंड्स यम माइनस क्यू हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें से हम क्या कॉमन करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए यहाँ से आपका कॉमन दिख रहा है फ्रेंड्स के कॉमन दिख रहा है, तो के कॉमन करेंगे तो यहाँ से आप हो जाएगा एल माइनस पी, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स एल माइनस पी बराबर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से यम माइनस क्यू। इतना समझ में आ गया। और देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके आगे देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से देखिए आपका के दिया है, यहाँ पर आपका दिया है एल माइनस पी बराबर में यम माइनस क्यू, तो इसमें से क्या करेंगे फ्रेंड्स माइनस कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से के, यहाँ से जब माइनस कॉमन करेंगे तो यह आपका हो जाएगा पी माइनस यल बराबर में, जब इधर भी माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्यू माइनस यम, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स k
क्यू माइनस यम हो जाएगा। तो देखिए माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, जब के का मान ज्ञात करेंगे, के का मान तो देखिए पी माइनस यल क्या है, इसके साथ में के साथ गुणा आया, तो जब इधर आएगा तो बटम हो जाएगा, तो क्यू माइनस यम और अपान में क्या हो जाएगा पी माइनस यल। इतना समझ में आ गया फ्रेंड्स। देखिए जो आपका के का मान आ गया, के का मान आ गया वो आपका कितना आ गया, वो आपका आ गया फ्रेंड्स क्यू माइनस यम अपान में पी माइनस यल, क्यू माइनस यम अपान में पी माइनस यल। देखिए फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यू माइनस यम क्या हो जाएगा, क्यू माइनस यम अपान में पी माइनस यल, यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया है इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि यदि 3 के पावर m माइनस 1 प्लस में 3 के पावर m प्लस 1 इक्वल टू में कितना दिया 810 हो तो m का मान होगा। तो देखिए ए ऑप्शन दिया है 0, बी ऑप्शन दिया 2, सी ऑप्शन दिया 3, डी ऑप्शन दिया है 5। देखिए फ्रेंड इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन में दिया है कि 3 के पावर m माइनस 1 और प्लस में कितना दिया है फ्रेंड्स 3 के पावर m प्लस 1 और इक्वल टू में कितना दिया है 810 दिया है, कितना दिया है फ्रेंड्स 810 दिया है। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए समझिए फ्रेंड्स यदि a के पावर m माइनस 1 दिया रहता है तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए a के पावर m गुणे a के पावर माइनस 1, देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसका क्या है आधार दोनों का क्या है सेम है, जब आधार सेम रहता है तो पावर आपस में क्या होता है जुड़ जाता है, तो फिर जब इसको लिखेंगे तो a के पावर m माइनस 1 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, तो सेम इसी प्रकार से देखिए यहाँ से हम 3 के पावर m को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर m और गुणे 3 के पावर माइनस 1 इतना लिख सकते हैं, और प्लस में देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा 3 के पावर m और गुणे 3 के पावर क्या हो जाएगा 1 बराबर में आपका हो जाएगा 810, ठीक है इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर m, अब देखिए 3 के पावर माइनस 1 दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3, और प्लस में यहाँ से आपका हो जाएगा 3 के पावर m और गुणे 3 के पावर 1 का मतलब 3 ही हो जाएगा, और इक्वल टू कितना दिया है फ्रेंड्स 810। अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 3 के पावर m आपको कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/3 और प्लस का यहाँ से हो जाएगा 3 और इक्वल टू कितना जाएगा फ्रेंड्स 810 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 3 के पावर m और जब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 और यहाँ से आपका हो जाएगा अंश में 1+3^9 हो जाएगा और इक्वल टू में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 810 हो जाएगा। अब देखिए जब हम 3 के पावर m का मान ज्ञात करेंगे, 3 के पावर m बराबर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा इधर आएगा तो इधर गुणा में हो जाएगा, तो 810 गुणे 3 और बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में आपका हो जाएगा 9 × 10, ठीक है इतना समझ में आएगा। देखिए 10 से 10 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से जो आपका देखिए 3 के पावर m का जो मान आ गया वो आपका आ गया फ्रेंड्स 81 × 3। अब देखिए यहाँ पर समझने वाला बात है कि देखिए 81 का जब हम गुणनखंड करते हैं फ्रेंड्स तो आपका आता है देखिए 3^4 आता है, 3^4 कितना होता है फ्रेंड्स देखिए 81 जो दिया है इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 3^3 × 9 × 9 = 27 होता है, तो इस 81 को हम लिख सकते हैं देखिए 1, 2, 3, 4 3^4 और गुणे 3। अब देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3^1, तो इसमें देखिए तीनों यहाँ पर देखिए 3 दिया यहाँ पर 3 दिया यानी कि बेस क्या है समान दिया है तो घात आपस में जुट जाएगा, तो 3^ कितना जाएगा 5, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3^m क्या हो जाएगा 3^m। अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स दोनों पक्षों की तुलना करने पर, देखिए यहाँ पर आपका दोनों पक्षों में आपका 3 बेस दिया है तो जब घात की तुलना करेंगे तो m का जो मान आ जाएगा m का जो मान आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 5 आ जाएगा। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी यानी कि 5, ठीक है यानी जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और चलो देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि 2x³ - 3x - 2 और यहाँ पे एक ब्रैकेट में दिया है 2x² - 3x - 63 के गुणनखंड है, तो देखिए ए ऑप्शन आपका दिया है फ्रेंड्स x-3 और एक ब्रैकेट में 2x+3 और एक ब्रैकेट में x-1 और x-7 और बी ऑप्शन आपका दिया है फ्रेंड्स x+3 2x-3 x-1 x-7 और सी ऑप्शन दिया x-3 2x+3 और x² - 8x+7 और डी ऑप्शन दिया x-3 2x+3 और 2x² - 3x+7। तो चलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका क्वेश्चन में आपका दिया है कि 2x³ दिया है 2x³ - 3x - 2 और एक ब्रैकेट्स के अंदर दिया है फ्रेंड्स 2x² - 3x
-63। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x का क्यूब दिया है यहाँ पर -3x -2 और यहाँ पर दिया है 2x² - 3x - 63। तो इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि 2x² यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे कि आपका जो आपका यहाँ पर दिया है फ्रेंड्स 2x² - 3x को हम क्या मानेंगे, y मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन में 2x² रहेगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका क्वेश्चन में रहेगा 2x² रहेगा, ठीक है, यहाँ से आपका रहेगा 2x² देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे कि माना 2x² - 3x = y। क्या करेंगे कि 2x² - 3x को क्या करेंगे y मान पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y - 2 और यहाँ से आपका हो जाएगा y - 63। इतना समझ में आ गया, देखिए क्योंकि 2x² - 3x को जब आप क्या रख देंगे, y रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या होने वाला है, यहाँ से आपका हो जाएगा y का y में गुणा करेंगे तो हो जाएगा y² - 2y - यहाँ से क्या हो जाएगा 63। अब देखिए फ्रेंड्स ये आपका द्विघात समीकरण के रूप का हो गया, ax² + bx + c के रूप का। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स क्या करते हैं कि यहाँ पर आपका दिया फ्रेंड्स 63, इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए क्या हो जाएगा 9 + 63। और घटाने पर हमको इस मिडिल वालों को लाना रहता है, यानी कि यहाँ पर दिया 2y। देखिए फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे -9 + 7 करेंगे तो आपको -2 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका गुणनखंड जब इसको करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा y² - 9y + 7y - 63। ठीक है, तो इसमें से क्या कामन दिख रहा है, इन दोनों से y कामन दिख रहा है, तो y - 9 हो जाएगा और +7 जब कामन करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा y - 7 - 63, y - 9 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर y - 9 दिया है तो एक ब्रैकेट्स में आपका हो जाएगा y - 9 और एक ब्रैकेट्स में हो जाएगा y + 7। अब देखिए क्या करेंगे कि y का मान क्या करेंगे कि इसमें रख देंगे, तो y के जगह पर हम क्या माने थे 2x² - 3x, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2x² - 3x - 9 और एक ब्रैकेट्स में देखिए y के जगह पर क्या रखेंगे, y के जगह पर रखेंगे 2x² - 3x + 7। ठीक है, अब देखिए आपका चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि ऑप्शन में आपका ये दिया है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा इसमें आपका दिया है 2x² - 3x + 7, यानी कि एक ऑप्शन आपका मिल रहा है और यहाँ पे आपका x - 3 और 2x + 3 दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2x² - 3x - 9 दिया है तो इसका जब गुणा करेंगे तो 9 × 2 कितना हो जाएगा 18 और इसका हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 3 यानी 6 × 3 कितना हो जाएगा 18। तो 18 यहाँ पर आ गया तो हमको इसको बीच वाला लाना रहेगा, तो यहाँ पर आपका लिखेंगे 6 + 3 जब करेंगे तो -3 मिल जाएगा। तो इसका जब गुणनखंड करेंगे फ्रेंड्स तो आपका हो जाएगा 2x² - का हो जाएगा 6x + 3x और -9, केवल इसका कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अभी इसको यहीं पे रहने दीजिए। तो यहाँ से आपका देखिए इसमें से क्या कामन दिख रहा है, 2x कामन दिख रहा है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स x - 2 × 6 हो जाएगा और प्लस में इन दोनों में से क्या कामन दिख रहा है, 3 कामन दिख रहा है, तो x - 3 × 9 यानी कि x - 3 हो जाएगा। तो देखिए एक ब्रैकेट्स में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 3 और एक ब्रैकेट्स में क्या हो जाएगा 2x + 3 और इसको अब लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो 2x² - 3x + 7। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो इसका फाइनली आंसर आ गया x - 3 2x + 3 और 2x² - 3x + 7। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी x - 3 2x + 3 और 2x² - 3x + 7। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि यदि x²(8+) - kx³(-2x+1) दिया है का एक गुणनखंड x+1 है तब हमको k का मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो ए ऑप्शन दिया 1, बी ऑप्शन दिया 2, सी ऑप्शन दिया 3, डी ऑप्शन दिया 4। चलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स आपका एक फंक्शन दिया है, ठीक है, जो आपका फंक्शन दिया है वो आपका कितना दिया है फ्रेंड्स x²(8+) - kx³(-2x+1) दिया है और इसका बोल रहा है कि एक गुणनखंड x+1 है। क्या दिया फ्रेंड्स कि x+1, तो इसको हम क्या करेंगे 0 के इक्वल कर लेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स -1। तो x का मान जो दिया है यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जो आपका फंक्शन दिया है x का जब हम रखेंगे -1 तो यहाँ से आपका आ जाएगा फ्रेंड्स -1² और प्लस में x, यहाँ पे k दिया है तो k गुणे x के जगह पर रखेंगे -1³ और -2 × देखिए x के जगह कितना रखेंगे फ्रेंड्स, x के जगह हम रखेंगे -1 और +1। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा -1² दिया है तो आपका प्लस
वन हो जाएगा। और यहाँ से माइनस वन का जब क्यूब करेंगे तो माइनस वन गुणे माइनस वन गुणे माइनस वन, ठीक है। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस का जब गुणा करेंगे तो माइनस का वन हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस का के, और यहाँ से देखिए माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस का टू और प्लस का वन। देखिए दो एक तीन, यहाँ से हो जाएगा चार, चार माइनस के हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए इसको हम जीरो के इक्वल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा फोर माइनस के बराबर हो जाएगा आपका जीरो। तो यहाँ से यदि हम के का मान ज्ञात करेंगे, के का मान तो माइनस के बराबर आ जाएगा माइनस का फोर, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका फाइनली के का जो मान आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, चार आ जाएगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर फोर दिया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी कि फोर। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर फोर दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फाइव। देखिए फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर फाइव दिया है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कास 15 डिग्री प्लस में कास 45 डिग्री अपान में कास क्यूब 15 डिग्री प्लस में कास क्यूब 45 डिग्री का मान क्या है। तो ए ऑप्शन दिया है 1/4, बी ऑप्शन दिया 1/2, सी ऑप्शन दिया 1/3 और डी ऑप्शन दिया नॉन, यानी कि इसमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्वेश्चन में क्या दिया है कि कास 15 प्लस में कास 45 और अपान में कास क्यू 15 प्लस में कास क्यू 45 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे कि लेट यानी कि मानेंगे क्या कि कास 15 डिग्री बराबर आप मान लेंगे ए और कास 45 डिग्री बराबर हम मान लेंगे बी, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे आसान रहेगा सॉल्व करने में। तो यहाँ देखिए कास 15 डिग्री जब हम रखेंगे ए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ए प्लस बी और अपान में देखिए कास 15 डिग्री को क्या माना है फ्रेंड्स ए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए का क्यूब और प्लस में यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बी का क्यूब। अब देखिए फ्रेंड्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ए प्लस बी और बट्टे में क्या हो जाएगा, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो सूत्र होता है वो आपका होता है फ्रेंड्स ए प्लस बी और एक ब्रैकेट्स में होता है फ्रेंड्स ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का ए बी। देखिए फ्रेंड्स जब यहाँ पे आपका प्लस रहता है तो यहाँ पर माइनस लेते हैं और यहाँ पर जब माइनस रहता है तो यहाँ पर प्लस ए भी लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका नीचे क्या बचेगा यहाँ पे, आप यहाँ पर बट्टे में बचेगा वन अपान में ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि ए के जवाब हम कास 15 डिग्री रख देंगे। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा अपान में कास स्क्वायर 15 डिग्री और प्लस में देखिए बी का मान कितना दिया है कास 45 डिग्री यानी कि आपका हो जाएगा फ्रेंड्स कास स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस का ए बी। ए बी का मतलब यहाँ से देखिए ए का मान कितना हो जाएगा कास 15 डिग्री और इनटू में बी के जवाब कितना रखेंगे कास 45 डिग्री। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसका मान क्या होता है। अब देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा 1/2। देखिए कास 15 डिग्री का जो मान होता है फ्रेंड्स कास 15 डिग्री का मान वो आपका होता है फ्रेंड्स देखिए अंडर रूट में 3 प्लस का 1 और अपान में होता है फ्रेंड्स 2√2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस में देखिए कास 45 और साइन 45 का जो मान होता है फ्रेंड्स वो आपका होता है 1/√2 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का देखिए कास 15 डिग्री का मान यहाँ से देखिए अंडर रूट में 3 प्लस 1 अपान में 2√2 होता है और यहाँ पर देखिए कास 45 अंश का मान होता है 1/√2। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा फ्रेंड्स 1/ में जब इसका स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स देखिए ये आपका ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2√2 दिया है तो इसका जब स्क्वायर करेंगे देखिए यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप का दिया है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का जब स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर आपका होता है फ्रेंड्स 3। तो यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स 3 प्लस में 1 और प्लस में 2√3 और अपान में देखिए यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 2 हो जाएगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 और प्लस का यहाँ से आपका हो जाएगा 1/2 और माइनस का देखिए जब इसका देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स अंडर रूट 3 प्लस 1 और अपान में यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 4 हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 का मान हो जाएगा 2 और यहाँ पर 2 दिया ऑलरेडी तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स इसका एलसीएम ले लेंगे। देखिए यहाँ से आपका बट्टे में दिया 1 और बट्टे में यहाँ पर देखिए 8 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 8 तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स देखिए 3 1 कितना हो जाएगा 4 और प्लस में 2√3 और प्लस में यहाँ से देखिए 2 4 8 जब 8 में भाग देंगे 2 से तो 4 बार में जाएगा तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 4 और माइनस का देखिए 4 2 8 तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 2√3 और माइनस का 2। तो देखिए फ्रेंड्स 2√3 से यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा और 4 4 कितना जाएगा 8 और 8 में से जब 2 हटाएंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर समझिए यहाँ से जो इसका मान आ गया 1/ में यहाँ से आपका हो जाएगा 6/8
अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस 8 को क्या करेंगे ऊपर लेकर चले जाएंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 8/6 और ये आपका किससे कैंसिल हो जाएगा 2 से। देखिए 2 चौक को कितना जाएगा 8, 2 3 6, तो इसका जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो आपका कितना जाएगा 4/3। देखिए फ्रेंड्स वो आपका जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 दिया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 4/3। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका रहेगा 4/3। देखिए जो आपका सी ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चले देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6। देखिए फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यहाँ पर देखिए आपका दिया है कि यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 × 1/30 हो तो संख्या होगी। देखिए ए ऑप्शन दिया है 2/3, 3/2, बी ऑप्शन दिया है 4/3, 3/4 और सी ऑप्शन दिया 5/6, 6/5, डी ऑप्शन दिया 7/6, 6/7। चलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स बोल रहा है कि यदि एक संख्या, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मानेंगे कि माना वह संख्या, ठीक है फ्रेंड्स, माना वह संख्या एक से, ठीक है, बराबर एक से, ठीक है, और बोल रहा है कि उसके व्युत्क्रम का योग 2 × 1/30 हो, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार जो आपका क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड्स कि इस संख्या का व्युत्क्रम, तो x का जो व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स x प्लस में 1/x इजिकल टू कितना दिया है 2 × 1/30 दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा x और x का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1 और इजिकल टू कितना हो जाएगा 30 × 60 और 1 61/30। अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स तिर्यक गुणा कर देंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 30x² प्लस में 30 बराबर यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 61x हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 30x² अब यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस का 61x प्लस का 30 बराबर आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे 30 का 30 में जब गुणा करेंगे तो यहाँ से आपका 3 × 9 हो जाएगा और 2 × 0 900 हो जाएगा। और इसका जब गुणनखंड करेंगे तो हमको इसको ऐसे गुणनखंड करना है कि यहाँ पे हमको 61x लाना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स जब इसका गुणनखंड कर लेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा फाइनली आपका हो जाएगा 30x² माइनस का आपका आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपका आ जाएगा फ्रेंड्स 36x और प्लस का आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपका माइनस लाना है ना, तो माइनस आपका हो जाएगा 25x और प्लस का 30 बराबर में आपका 0 हो जाएगा। देखिए 36x और माइनस का 25x को जब ऐड करेंगे तो 6 × 5 = 11 और 3 × 5 = 6 यानी कि 61x आ जाएगा। और 36 और 25 का जब गुणा करेंगे, देखिए 36 और 25 का जब गुणा करेंगे तो 5 × 6 = 30 कितना जाएगा 3, 5 × 3 = 15, 15 × 3 कितना जाएगा फ्रेंड्स 18 और 6 × 12 कर 2 हासिल 1, 3 × 6 = 7 तो यहाँ पर कितना जाएगा 0, 8 × 2 = 10 हासिल 1, 7 × 1 = 8 कितना जाएगा 900 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या कामन है, इन दोनों में से देखिए क्या कामन करेंगे, यहाँ पर आपका देखिए 36x दिया है, यहाँ पर 30x² दिया है, तो इसमें देखिए क्या, इसमें से कामन क्या करेंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 6x कामन हो जाएगा। तो 6 × 5 कितना जाएगा 30x माइनस का 6 × 36 होता है, तो माइनस का 6 अब माइनस का देखिए इन दोनों में से क्या कामन दिया है 5 कामन कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 5x माइनस का 6 इजिकल टू में कितना जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट्स में क्या हो जाएगा 5x - 6 दिया है, तो एक ब्रैकेट्स में जाएगा 5x - 6 और एक ब्रैकेट्स में जाएगा 6x - 5 इजिकल टू में हो जाएगा 0। अब देखिए इसको जब 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5x - 6 = 0, तो x का मान कितना जाएगा 6/5 और दूसरा आपका दिया है 6x - 5 = 0, तो x का जब मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5/6। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5/6, देखिए 5/6 और 6/5 यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको 6 सबसे महत्वपूर्ण मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कराया है जो कि आपके इंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।